गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है, और आज है हमारे पास 35, तो हम इसको कर लेते हैं। 35 बोलता है, दो असमानांतर रेखाएं ए बी और सी डी को इनके बिना बढ़ाए अंतर्गत कोण प्रतीत करो और विभक्त करो। हमने जो है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो असमांतर रेखाएं दी हुई है और ए बी सी डी उनके नाम हैं, और उनको बिना बढ़ाए जो है उनके अंतर्गत कोण जो है हमने प्रतीत करना है, यानी कि उनके बीच का कोण प्रतीत करना है और उसको विभक्त करना है, यानी कि उसको दो समान भागों में विभक्त भी करना है। ठीक है, आइए जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है दी हुई चीज़ ले लेंगे। हमारे पास दी हुई क्या है, एक ए बी रेखा है, ठीक है, और एक है हमारे पास सी डी रेखा, ठीक है। एक ए बी रेखा है और एक सी डी रेखा है, इसका नाम ए बी है, इसका नाम सी डी, ठीक है। तो अब क्या बोला है उसने, हमारे पास एक पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे, उसका नाम हम देंगे H, अपनी मर्जी से ले सकते हैं। एक पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे, उसका नाम है P। अब क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी से कंपास ओपन करेंगे और इन जो पॉइंट हमने लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एक जो है एंगल बनाएंगे हम 90 डिग्री का। दोनों पॉइंटों पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, जैसे यहाँ से भी और यहाँ से भी हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। दोनों तरफ से हम बनाना शुरू करते हैं, एक एक कट यहाँ यहाँ, ठीक है, यहाँ से भी एक कट इधर, यहाँ से भी एक कट इधर। ध्यान से देखना, 6th क्लास आप लोग जो है बहुत ही जल्दी में कर रहे हैं और गलत हो रहा है, ठीक है। ऐसे कट देखो किस तरह लगा रहा हूँ मैं, उस तरह से लगने चाहिए कट आपके, ठीक है, ऐसे साफ कट। और इसको डॉटेड मिलाएंगे हम छोटे छोटे डॉट्स में, ठीक है, और इसको भी हम छोटे छोटे डॉट्स में मिलाएंगे। अब ध्यान दो, अब हमने यहाँ से लगभग, याद रखना, इससे थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, इससे थोड़ी सी ऊपर है, और उतना हमने कट लगाना है, यहाँ पे एक चाप लगानी है इस तरह से, और यहाँ पे भी उसी तरह से एक चाप लगानी है, क्योंकि सीधी रेखा से थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए, तब ये कट जाएगी, तब ये पॉइंट आ जाएगा, ये ध्यान रखना। अब इन दोनों को हमने मिलाना है, ठीक है, ये डॉटेड मिलेगा यहाँ से डॉटी, ये देखिए, जब यहाँ से जाते हुए इसने, इस रेखा ने इसको काटा, इस पॉइंट का नाम हम ओ दे देंगे, ओ ओ आ गया। तो उसने बोला था कि भाई उसके अंतर्गत कोण जो है प्रतीत करना है, तो अब कोण की बारी आई है, अब कोण बन गया ना लगभग, अब हमने इस कोण को बनाना है, प्रतीत करना है, हमने अपनी मर्जी से कंपास ओपन करनी है। यहाँ पे हमारी कंपास ओपन हो गई है यहाँ पे अपनी मर्जी से, और एक चाप हमने लगानी है इस तरह, यहाँ तक ये हो गया हमारे पास। फिर बोला उसने विभक्त करो, ये हमने कोण प्रतीत किया है, अब विभक्त भी करना है। विभक्त कैसे होगा, यहाँ से एक कट इसी के बराबर, ऐसे एक कट हम यहाँ से लगाएंगे, ऐसे जो इसको काटे, ये कट गए, अब इसको हमने मिलाना है पक्का, क्योंकि ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये पक्का मिलेगा इसके साथ, ये हमारे पास कौन हो गया, ठीक है, विभक्त भी हो गया इसका, ए बी सी डी और इसका नाम ई होगा, ये हमारे पास आंसर था, ठीक है, ओके, हैव ए नाइस।